में आज अपन पढ़ेंगे ऑफ बो सिद्धांत। ऑफ बो का शाब्दिक तात्पर्य होता है निर्माण करना। इसकी सहायता से किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है, अर्थात न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। ये डायग्राम देखिए, इस तरह से ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। ऑफबो सिद्धांत में मुख्यतः तीन नियम सम्मिलित होते हैं। पहला, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली के अपवर्जन नियम का स्टेटमेंट है, किसी भी एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। अर्थात एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण सदैव विपरीत होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का विन्यास 1s2, 2s2, 2p3। 1s में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो और 2p3 में तीन p कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अपन बात करते हैं 2p2 और 2p3 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। n का मान 2 होगा, l का मान 1, m का मान, p कक्षक दोनों अलग अलग होने के कारण से m एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0 होगा तो दूसरे के लिए +1 होगा, और s का मान चक्रण समान होने के कारण से +1/2 है। तो देखिए, इसमें n समान है, l समान है, s समान है, पर चौथी क्वांटम संख्या m का मान अलग है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल ले नियॉन 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6। अब अपन बात करें 2p3 और 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो n का मान दोनों के लिए 2, l का मान 1, m का मान +1, और s का मान चक्रण विपरीत होने के कारण से एक के लिए होगा +1/2 और दूसरे के लिए होगा -1/2। तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कि चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, तीन क्वांटम संख्याओं का मान यदि समान है तो चौथी क्वांटम संख्या s का मान विपरीत होगा। सेकेंड नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। यदि समान ऊर्जा वाले संभ्रंश कक्षक रिक्त कक्षक उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन पहले रिक्त कक्षक में भरा जाएगा। जब सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए तो विपरीत चक्रण वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अर्थात युग्मन होगा। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहता है कि संभ्रंश कक्षकों को भरते समय पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रत्येक कक्षक में जाएगा, फिर उसका युग्मन होगा। उदाहरण नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3। इसे दो तरीके से अपन भर सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p में दो कक्षकों में एक युग्मित करता हुआ दो इलेक्ट्रॉन और एक अयुग्मित, और दूसरा नीचे देखिए, तीन इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में गए हुए हैं। तो हुंड के नियम का पालन कौन सा वाला कक्षक कर रहा है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे और फिर उनका युग्मन होगा, यानी नीचे वाला भरने का तरीका सही है। नेक्स्ट, एन प्लस एल का नियम। एन प्लस एल का नियम कहता है कि जिस कक्षक के लिए एन का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, परंतु यदि एन का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए एन प्लस एल का मान कम होता है। इसी प्रकार यदि एन प्लस एल का मान बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा जिसके लिए एन का मान कम है। एग्जाम्पल 4s और 3d में पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरा जाता है, क्यों? तो 4s और 3d के लिए सबसे पहले एन प्लस एल की वैल्यू निकालिए। तो 4s के लिए n प्लस एल होगा 4 + 0 इक्वल टू 4, और 3d के लिए देखिए तो n का मान 3 और d के लिए n का मान 2, तो 3 + 2 ये हो गया 5। तो 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू आई 4
और 3D के लिए इसका मान आया 5। तो पहले कक्षक वह भरा जाएगा जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कम हो, यानी 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर 3D कक्षक भरा जाएगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, 4p व 3D की बात करें तो दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू निकालिए। तो 4p के लिए अपन ने निकाली 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 3D के लिए आया 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 4p और 3D दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम हो गई। अब सेम हो गई तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसके लिए n का मान कम हो। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। आंशिक भरे कक्षकों की तुलना में अर्धपूर्ण व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व अधिक होता है। ये कक्षक अधिक स्थायी होने के कारण से पहले इलेक्ट्रॉन कोशिश करता है कि या तो वह पूर्ण पूरित हो या अर्धपूरित हो। यदि अपन पूर्ण पूरित तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा स्थायित्व पूर्ण पूरित कक्षक का, उससे कम अर्धपूरित और सबसे कम आंशिक भरे हुए। पी के लिए 3 कक्षकों में पूर्ण पूरित के लिए 6 इलेक्ट्रॉन p6 सिस्टम चाहिए। डी के लिए पूर्ण पूरित के लिए d10 सिस्टम और एफ के लिए f14 सिस्टम पूर्ण पूरित कक्षक के लिए होगा। और अर्धपूरित के लिए इसका आधा करें तो p3, डी के लिए d5 और एफ के लिए f7। यदि कोई कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होता है तो उसमें समान ऊर्जा वाले कक्षकों की सम्मिति अधिक होती है व इलेक्ट्रॉन का वितरण भी सम्मित होता है। यदि समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करना होता है तो ऊर्जा मुक्त होने से स्थायित्व का मान बढ़ जाता है और स्थायीकरण ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा कक्षकों का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। स्थायीकरण ऊर्जा बराबर विनिमय ऊर्जा माइनस एन के, जहां एन स्मॉल एन n-1/2, स्मॉल n इक्वल टू समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, के प्रति n के लिए विनिमय ऊर्जा। d3 के लिए स्थायीकरण ऊर्जा का मान निकालें तो n=3-3-1/2, तो ये आया -3k। d5 के लिए 5 5-1/2 10, यानी विनिमय ऊर्जा का मान आ गया -10k। परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर कक्षकों की आपेक्षिक ऊर्जा भी बढ़ती है और सर्वप्रथम न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जितना नाभिकीय आवेश वास्तव में अनुभव किया जाता है उसे जेड इफेक्टिव कहते हैं। ये नाभिक के द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर परिणामी आकर्षण बल होता है। इसके लिए पहले आवरण स्थिरांक ज्ञात किया जाता है जिसे स्लेटर स्थिरांक S भी कहते हैं। जेड इफेक्टिव का सूत्र हो गया Z-S और S बराबर हो गया Z-Z इफेक्टिव। स्लेटर स्थिरांक की कैसे गणना करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन के भीतर वाले इलेक्ट्रॉनों का ही आवरण प्रभाव होता है, उससे बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव नहीं होता। एस या पी इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव में योगदान निम्नलिखित होता है। n के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए ये मान 0.35, n-1 के लिए 0.85 और n-2 के लिए 1.00। d या f इलेक्ट्रॉनों के लिए आवरण स्थिरांक निम्न प्रकार से होता है, उसी कोश के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35, उसके अंदर के कोशों के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 1.00, 1s में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पर आवरण स्थिरांक 1, हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन के लिए आवरण स्थिरांक का मान 0.05। नाइट्रोजन के लिए जेड इफेक्टिव निकालना हो तो किस तरह से निकालेंगे, नाइट्रोजन का विन्यास 1s2, 2s2, 2p3, n हो गया 2, n-1 हो गया 1, तो s का मान आया 2 × 0.85 +4 × 0.35, s=1.7 + 1.4, s का मान आ गया 3.10। तो जेड इफेक्टिव हो गया 7 - 3.10 = 3.90। धन्यवाद।